मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसका नाम वचन पत्र दिया गया है। खास बात यह है कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सॉफ्ट हिंदुत्व की भी झलक इस वचन पत्र में देखने को मिल रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा गर्म हो गया है। INDY स्पेशल में इसी पर करेंगे चर्चा। तो बैन होंगी RSS की शाखाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक देखने को मिली है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य की सरकारी इमारतों और परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की शाखाओं पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर पार्टी और अध्यक्ष राहुल गांधी के उन दावों को और मजबूत कर दिया है, जिसमें वो RSS पर नफरत फैलाने के आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि यदि पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में आती है तो सरकारी इमारतों और परिसरों में RSS की शाखा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के शाखा में हिस्सा लेने की अनुमति देने के आदेश को भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर संघ पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। MP के चुनावों में शाखा के खिलाफ घोषणा करना राहुल गांधी के नजरिए का विस्तार माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के इस वचन पत्र में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी देखने को मिली है। इस वचन पत्र में भगवान राम, नर्मदा, गौवंश का जिक्र करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा पेश करने की कोशिश की गई है। सरकारी परिसर जो है सबकी संपत्ति, साझा संपत्ति इस प्रदेश की जनता की, जनता के टैक्स से वो संपत्ति निर्मित होती है। उस संपत्ति का दुरुपयोग केवल एक विशेष विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता, ये संवैधानिक दायित्व, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको पूरा करने को हम बात कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर 60-70 हजार करोड़ रुपया वेतन पर खर्च होता है। जो कर्मचारी अगर शासकीय समय में शाखाओं में जाता है तो वो उस वेतन की अवमानना कर रहा है। अगर उसे इस तरह के काम करना है, नौकरी छोड़े, खूब करे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। तो एक और जहां कांग्रेस सत्ता में आने पर RSS की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, वहीं मैनिफेस्टो में इस वचन को शामिल करने पर कांग्रेस BJP के निशाने पर आ गई है। इसका ये जो असली चेहरा सामने आया है, इसका खामियाजा उनके नेतृत्व को और कांग्रेस को दोनों को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जिसने हजारों भारत मां के सपूतों को देश की भलाई के लिए, भारत मां के वैभव के लिए, जहां अपना सर्वस्व लोगों ने होम कर दिया और आज भी कर रहे हैं, देश के ऐसे ऐसे हिस्सों में जहां कांग्रेस के लोग कभी जाने की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे जनजाति भाइयों के बीच में, सेवा बस्तियों में सेवा के कार्य करके, लोगों को एकजुट करके देश की मजबूती के लिए काम करने वाला संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ। हम चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि आप में अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाएं। वो जानते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है और इसलिए वचन पत्र में तमाम इस तरह की बातें वो कह रहे हैं जो अब संभव नहीं है। चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने कहा था कि ये जो नक्सलवादी हैं वो क्रांतिकारी हैं और नक्सलिज्म जो है इट इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, नक्सलिज्म इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोसेस। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लिए नक्सलिज्म जो है वो रिवोल्यूशन है, वो क्रांति है, मगर सामाजिक कार्य जो संघ करती है वह घृणित है और वह घृणा योग्य है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। संघ की शाखाओं पर इस प्रकार वार करके, टिप्पणी करके गैर जिम्मेदाराना पुनः उसी प्रकार का एक वाक्या को कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के समय से कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाया। अभी माननीय राकेश सिंह जी जो मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सही फरमाया, 3 बार गलत तरीके से प्रतिबंध लगाने की संघ पर कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने किया था, उसका हर्ष हमने कोर्ट में भी देखा, अदालत में भी देखा और उसका नतीजा यह रहा कि यह प्रतिबंध कांग्रेस को हटाना पड़ा है। RSS की शाखा ही नहीं लगने देंगे और कर्मचारी पर प्रतिबंध लगाएं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी ने सबने लगा लिया था RSS पर बैन, लेकिन जनता की शाखा का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस पर जो प्रतिबंध लगाता है वो मुंह की खाता है। और आज प्रतिबंध जब जब लगा है
संघ का कार्य बढ़ता गया है। जय हिंद, थैंक यू। कांग्रेस कभी राष्ट्रवादी संगठनों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि आजादी के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस तो खत्म हो गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था इसे समाप्त कर दो। अब जो कांग्रेस है वो महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों की है। गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर अनेक प्रकार बार संघ पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन संघ चूंकि राष्ट्रवादी संगठन है इसलिए जितना उसको दबाते हैं उतना ही तेजी से बढ़ता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का ये बयान उसके अंतिम कील साबित हो। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस की शाखा पर रोक लगाने का वादा किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस वादे पर बिफर गई है। देखना होगा कि आगामी चुनावों में लगातार जो हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं इनका क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएगा।